नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं उरी शोभा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। देश भर में कोरोना मरीजों की स्वस्थ होने की दर बढ़कर 42.45% हुई। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने राज्य के लोगों से भयभीत न होने की अपील करते हुए कहा, राज्य सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए उठाए हैं कदम। राज्य में कोविड मामलों के लिए अपनाई जा रही 3 स्तरीय प्रणाली, सैंपल के जांच रिपोर्ट के आधार पर मरीजों को कोविड केयर सेंटर, डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर या कोविड अस्पताल में किया जाएगा भर्ती। असम में तटबंध और सड़कें टूटने के कारण कई क्षेत्र जलमग्न। राज्य में कई नदियों के खतरे के निशान से ऊपर बहने से आई बाढ़ के कारण 2 लाख से अधिक लोग प्रभावित। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार देश में कोरोना संक्रमित 64,426 लोग उपचार के बाद स्वस्थ हो चुके हैं और स्वस्थ होने की दर 42.45% हो गई है। पिछले 24 घंटे के दौरान 3,935 लोग ठीक हुए हैं। इस दौरान 6,387 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। देश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 1,51,767 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटे में इस महामारी से 170 लोगों की मौत हो गई है। इसके साथ ही कोविड-19 से मरने वालों की कुल संख्या 4,337 तक पहुंच गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना संक्रमण का फैलाव रोकने के लिए बार बार हाथ धोने और सुरक्षित दूरी बनाए रखने के नियमों का कड़ाई से पालन करने की अपील की है। मंत्रालय ने ट्वीट संदेशों में कहा, संक्रमण के इस दौर में सुरक्षित दूरी बनाए रखना तथा हाथ साफ रखने और सैनिटाइजर का उपयोग करने के एहतियाती उपाय जरूरी है। मंत्रालय ने कहा कि सार्वजनिक स्थलों पर थूकना दंडनीय अपराध है और इससे कोरोना संक्रमण फैलाव का खतरा बढ़ता है। भारत में कोविड-19 रोगियों के संक्रमण में आए रोगियों का पता लगाने, संक्रमण के क्षेत्रों की जानकारी और स्व आकलन के लिए महत्वपूर्ण मोबाइल ऐप आरोग्य सेतु अब ओपन सोर्स हो गया है। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत ने कल नई दिल्ली में यह घोषणा करते हुए कहा कि पारदर्शिता, निजता और सुरक्षा आरंभ से ही आरोग्य सेतु के मुख्य सिद्धांत रहे हैं। श्री अमिताभ कांत ने कहा कि 11,50,00,000 आरोग्य सेतु ऐप इस्तेमाल कर रहे हैं। इसे प्रत्येक स्मार्टफोन पर डाउनलोड किया जा सकता है। यह ऐप 12 भाषाओं में उपलब्ध है। केवल 41 दिन में ही 1 करोड़ लोगों ने यह मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लिया था। इंसेप्शन आरोग्य सेतु इंडियाज कोविड-19 कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, सिंड्रोमिक मैपिंग एंड सेल्फ असेसमेंट मोबाइल एप्लीकेशन इज नाउ ओपन सोर्स। ट्रांसपेरेंसी, privacy and security have been the core design principles of Arogya Setu since its inception, and opening the source code up to the developer community signifies Government of India's continuing commitment to these principles. मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने राज्य के लोगों से कोविड-19 के मामलों को लेकर भयभीत न होने की अपील करते हुए कहा है कि राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने, जांच और इलाज के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा जारी आवश्यक दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन किया जा रहा है। श्री खांडू ने कोविड-19 की लड़ाई में स्वास्थ्य कर्मियों, सफाई कर्मियों, पुलिस और राज्य के विभिन्न संगठनों के योगदान की सराहना करते हुए आज जांच रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन से होम क्वारंटाइन में भेजे जाने वाले लोगों की उचित देखभाल के लिए गांव बूढ़ा और गांव बूढ़ी से सक्रिय भूमिका की अपील की। संडे की शाम में यानी 24 मई शाम में एक कोविड केस अरुणाचल में उसको आया था और जैसे ही कोविड पॉजिटिव का डिटेक्ट हुआ उस पेशेंट को इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन फैसिलिटी से शिफ्ट करके कोविड केयर सेंटर में उसको रखा गया है। और आज सवेरे मैं उस पेशेंट का साथ में फ़ोन में बातचीत हुआ और खुशी का बात यह है कि वो पेशेंट बहुत ही एनर्जेटिक
बहुत ही ऑप्टिमिस्ट एक लड़का है और मैं डॉक्टर्स का टीम के साथ में भी बातचीत हुआ है, वो पेशेंट का बिल्कुल सिम्टम्स बिल्कुल नहीं है और होपफुली हम सभी का प्रेयर से और दुआ से वो पेशेंट बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएंगे। जैसे ही लॉकडाउन का मेजर्स अभी धीरे धीरे जो अभी ईज कर रहा है उससे चलते कुल मिला के जितने भी जो अरुणाचलीज जो बाहर में स्टैंडर्ड थे जो फंसे हुए थे अब तक आज शाम 4 बजे तक में लगभग 6,000 लोग यहाँ अरुणाचल में आ चुका है। आप सबको पता है कि अरुणाचल उन राज्यों में से एक है जिसमें हम सब ने मिलकर मैंडेटरी किया हुआ है जो भी बाहर से आते हैं उसको हम लोग 100% इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन फैसिलिटी में रखेंगे और 100% उन लोगों का RT-PCR टेस्ट भी हम लोग कंडक्ट करते हैं। आने वाला दिनों में हम सब का माइंड हम सब का मेंटल कंडीशंस और भी हम लोग को तैयारी करना है कि पॉजिटिव केस और भी आएंगे, मगर मैं आप सबको ये अनुरोध करना चाहता हूँ ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि पॉजिटिव केस आने से भी आप लोग पैनिक बिल्कुल नहीं होना है। भारत सरकार और राज्य सरकार हम सभी ने मिल के अपना स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हम लोग बहुत अच्छी तरह हम लोग ने बनाया हुआ है। इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन फैसिलिटी से लेके हमारा कोविड केयर सेंटर, इसके बाद हमारा डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर से लेके हमारा स्टेट कोविड हॉस्पिटल तक हमारा SOPs पूरा तैयार है। कोरोना वायरस को लड़ने के लिए राज्य सरकार अभी पूरा क्षमता में है। अभी तक का जो कोरोना वायरस के खिलाफ जो युद्ध में एस टीम अरुणाचल हम लोग बहुत ही सक्सेसफुल रहा है उसको कंटेन करने के लिए, और मैं आप सबको ये वादा करता हूँ इस प्रकार का कोऑपरेशन और इस प्रकार का मोटिवेशन अगर आप लोगों से मिलेगा तो एस टीम अरुणाचल हम लोग इस COVID-19 कोरोना वायरस को अरुणाचल प्रदेश में हम लोग स्प्रेड होना नहीं देंगे। तोमो रीबा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विज्ञान संस्थान ट्रीम्स के प्लानिंग एंड डेवलपमेंट विभाग के नोडल ऑफिसर डॉक्टर वाई तादो ने बताया है कि कोविड मामलों के लिए राज्य में 3 स्तरीय प्रणाली अपनाई जा रही है। सैंपल के जांच रिपोर्ट के आधार पर मरीजों को 3 कैटेगरी माइल्ड, मिडरेट और बहुत अधिक गंभीर कैटेगरी में बांटा जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसी के आधार पर उन्हें कोविड केयर सेंटर, डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर या कोविड अस्पताल में भर्ती किया जाएगा। श्री तादो ने बताया कि कोविड संक्रमण के मामलों को रोकने और संक्रमित व्यक्तियों के इलाज के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। स्टेट गवर्नमेंट हैज ट्रेन्ड ऑल द मेडिकल ऑफिसर्स फॉर दिस कोविड रिलेटेड मैनेजमेंट। तो हमारा कोविड केयर सेंटर में स्पेशलिस्ट का जरूरत नहीं है। जिस पेशेंट को जैसे कि जो सीवियर हो गया और ICU तक चला गया और उसको स्पेशलाइज्ड केयर देना है उसको तो स्पेशलिस्ट ट्रीटमेंट करेगा। लाइक इन ICU देयर विल बी अ चेस्ट जो स्पेशलिस्ट होगा, मेडिसिन स्पेशलिस्ट होगा, हमारा एनेस्थेटिस्ट होगा। तो अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ सीवियरिटी ऑफ या कंडीशन ऑफ पेशेंट वही डिसाइड करेगा कि पेशेंट को क्या स्पेशलिस्ट केयर का जरूरत है या जरूरत नहीं है। अदरवाइज इट इज वेरी क्लियरली लेड डाउन इन SOP कि कोई कोई जगह में इवन मेडिकल ऑफिसर कैन ऑल्सो मैनेज। सो पब्लिक नीड नॉट वरी, एकदम हमारा स्टेट गवर्नमेंट और हेल्थ डिपार्टमेंट ने क्लियरली उसको क्लियर करके रखा हुआ है एंड नो नीड टू वरी बिकॉज ऑल द डॉक्टर्स हैव बीन ट्रेन्ड फॉर दिस COVID-19 मैनेजमेंट। इसमें बिल्कुल आप लोगों को पैनिक करने का जरूरत नहीं है। आवर स्टेट इज फुल्ली प्रिपेयर्ड एंड ऑल द हेल्थ डिपार्टमेंट्स आर रेडी इस कोविड को कंटेन करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए और ट्रीट करने के लिए भी। आप जो भी गाइडलाइंस, जो भी SOPs और जो भी इंस्ट्रक्शन गवर्नमेंट का तरफ से, हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट का तरफ से है उसको काइंडली फॉलो कीजिए और गवर्नमेंट का साथ दीजिए, हेल्थ डिपार्टमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का साथ दीजिए। अभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है अपना पर्सनल डिसिप्लिन एंड सोशल डिस्टेंसिंग, पर्सनल हाइजीन, हैंड वॉशिंग एंड मास्क। ये चीज़ का आप लोग, मेरा एक आई एम हम्बली अपीलिंग कि आप लोग इसको काइंडली फॉलो कीजिए और इसको मेंटेन कीजिए और लेट अस होप दैट वी विल कम आउट एज अ विनर। केंद्र सरकार ने आज फिर कहा कि वो देश भर में खासतौर पर पूर्वोत्तर राज्य में उच्च गुणवत्ता युक्त
शिक्षा और शिक्षा के बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए वचनबद्ध है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि सरकार ने इस साल शिक्षा के क्षेत्र में बड़े फैसले किए हैं। उन्होंने कहा कि यांगयांग में सिक्किम विश्वविद्यालय का स्थायी परिसर बनाने की अनुमति दे दी गई है। सिक्किम सरकार ने विश्वविद्यालय के लिए 300 एकड़ जमीन आवंटित की है, जिसमें से करीब 266 एकड़ जमीन हस्तांतरित की जा चुकी है। श्री निशंक ने कहा कि सरकार ने अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, दिल्ली और पुदुचेरी में 6 राष्ट्रीय टेक्नोलॉजी संस्थानों के लिए 4,371 करोड़ रुपए पहले ही स्वीकृत कर दिए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि ये संस्थान 31 मार्च 2022 तक अपने स्थायी परिसरों से कार्य करने लगेंगे। इन 6 परिसरों में 6,320 विद्यार्थियों के अध्ययन की सुविधा होगी। इधर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मीडिया में आई इन खबरों को खारिज कर दिया है कि उसने सभी राज्यों को स्कूल खोलने की अनुमति दे दी है। मंत्रालय ने कहा है कि समूचे देश में शिक्षा संस्थानों को खोलने पर रोक जारी है। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को मिले 10,000 करोड़ रुपए के पैकेज से इससे जुड़े एमएसएमई को बढ़ावा मिलेगा। दूरदर्शन के साथ बातचीत में उन्होंने कहा कि इससे स्व सहायता समूहों के उत्पादों की गुणवत्ता बढ़ेगी और रोजगार के अवसर पैदा होंगे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उत्पादन तकनीक, गुणवत्ता सुधार और मार्केटिंग के क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। हम लोग नए नए लेब बनाएंगे। हमारी मिनिस्ट्री को 10,000 करोड़ दिए गए हैं और जिसमें हमारी मिनिस्ट्री 2 लाख जो माइक्रो एंटरप्राइजेस हैं उन लोगों को हेल्प किया जाएगा और सब्सिडी 35% तक दिया जाएगा और मैक्सिमम 10 लाख तक उनको सब्सिडी मिलेंगे। वो माइक्रो जो है एंटरप्राइजेस हैं, मतलब खुदरा जो उद्यमी हैं उनको दिया जाएगा। तो उसी तरह से हम लोग करीब 2 लाख जो खुदरा जो उद्यमी हैं उनको हम लोग ट्रेनिंग देंगे और हम लोग नए नए लैब की डेवलप करेंगे। इसी तरह से हर एक स्टेट में कमेटी बनाया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट को लेकर, फिर डिस्ट्रिक्ट में भी कमेटी किया जाएगा। और इसी तरह मौसम विभाग ने असम के कई जिलों में अगले 2-3 दिन में अलग अलग स्थानों पर गरज के साथ आंधी और भारी वर्षा का अनुमान लगाया है। राज्य के 7 जिलों में करीब 2 लाख लोग बाढ़ की चपेट में हैं। ग्वालपाड़ा और तिनसुकिया जिलों में लगभग 9,000 लोगों ने राहत शिविरों में शरण ले रखी है। बाढ़ से कई जिलों में फसलों को नुकसान पहुँचा है और सड़क मार्ग भी बाधित हुआ है। असम में तटबंध और सड़कें टूटने के कारण कई नए क्षेत्र पानी में डूब गए हैं। कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। राज्य में 2 लाख से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और राज्य आपदा मोचन बल की टीम ग्वालपाड़ा जिले में राहत और बचाव कार्य में तैनात की गई है। 1,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में बाढ़ से फसल नष्ट हो गई है। चट्टाने खिसने के कारण लुमडिंग बदरपुर डिवीजन में कुछ देर तक रेलगाड़ियों का आवागमन प्रभावित हुए, लेकिन राहत कार्य के बाद रेल सेवा फिर शुरू हो गई। ऑयल इंडिया लिमिटेड के तिनसुकिया जिले में स्थित बाग जान ऑयल फील्ड में आग लगने की खबर। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार यह दुर्घटना आज सुबह 10:30 बजे हुई। घटना की खबर मिलते ही असम के नाजिरा से ONGCL के आपदा प्रबंधक दल ने मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया है। इस ऑयल वेल से प्रतिदिन 1 लाख स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर प्राकृतिक गैस का उत्पादन होता है। ऑयल इंडिया लिमिटेड के DGM त्रिदीव हाजरिका ने बताया कि बागजान ऑयल फील्ड में लगी आग को बुझाने का प्रयास जारी है। There is no fire at the well site. In the meantime, we have contacted the crisis management team of ONGC Nazira. We're looking for their support also. The main priority now is to ensure that the people residing in and around the well site, they are safe and they've been shifted to a safe place. No life has been lost due to this incident. And we are very confident that very soon we will be able to control the situation.
अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। आप देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।